हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी यहाँ का जो आज फिर से मैंने अपना जो वीडियो है बहुत लेट स्टार्ट किया, 9:30 बजने वाले हैं। और आज हम लोग थोड़ा काम से जा रहे हैं बिकॉज हम लोग परसों निकलने वाले हैं इंडिया के लिए। तो कुछ ऐसे तो मोस्टली सारी शॉपिंग हम लोगों ने कर ली, सारी शॉपिंग कम्प्लीट हो गई है। बट हम लोग ट्राई करें जो इवान की बाइक है ये फिर से लुलू लेके जा रहे हैं। और अगर वो लोग इसको फिर से डब्बे में, मतलब इसको ओपन करके डब्बे में पैक कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, एटलीस्ट हम लोग इसको कैरी कर के लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ हमें यहीं पे रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम लोग इसी काम के लिए जा रहे हैं और देखते हैं काम होता है या नहीं। और एक डाउट और भी है कि अगर हम लोग हो भी जाता है देन पता नहीं उसमें फ्लाइट मतलब वहाँ पे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बैटरी वगैरह लगी, तो थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है। और बाकी जैसा भी होता मैं अपडेट करती हूँ आपको। फाइनली अभी मेरी पैकिंग चली रही है। ऑलरेडी मैंने 3-2 बैग पैक कर लिए, लास्ट में पैक कर रही हूँ। और अभी बहुत सारा सामान और भी है जो मुझे पैक करना है। और मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कहीं और वेट ना हो जाए, बिकॉज बहुत सामान बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत सारा सामान मैं छोड़ के आ रही हूँ, स्पेशली वान के जितने खिलौने हैं वो सारे मुझे छोड़ के आने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो हम लेके नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। और बाकी जो जो मेन चीज़ है वो हम लोग पैक कर ले रहे हैं, तो देखते हैं कितना क्या लेके जा सकती हूँ। और फिलहाल अभी चल रहा है, 3-4 दिन से पैकिंग कर रही हूँ, आज फाइनल पैकिंग है। और कल सुबह हमें 10 बजे हमें यहाँ से निकल जाना है। और अगर हम यहाँ के टाइमिंग की बात करें 2:40 पे हमारी फ़्लाइट है, और तो टाइम नहीं है, आज का दिन है। और ये सारी चीज़ें मुझे पैक करके एकदम रेडी रखनी है, और सुबह कल उठते ही बिकॉज 7-8 बजे उठेंगे, फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा रेडी होके, बस निकलना रहेगा। तो इसीलिए आज पूरी फाइनल पैकिंग करनी है मुझे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फाइनल डे है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं इंडिया, और हम लोग रेडी हो गए हैं। और इवान को भी कपड़े नहीं पहने, वो लास्ट में पहना देंगे। और यहाँ पे हमारी पैकिंग भी हो गई है। और वो फिलहाल जाने के लिए एक्साइटेड भी हूँ, बट थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। बट हाँ, बट थोड़ा सच में बताऊँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। और जैसे जैसा होता है वीडियो के थ्रू अपडेट करती हूँ मैं। ये बाबू की सारी चीज़ें ही छूटी जा रही हैं, और बिकॉज नहीं लेके जा सकती हूँ मैं। पहले मैं निकल रही हूँ यहाँ से, और पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब तो लग रहा है मुझे। और ये फाइनल मेरा विंडो से व्यू था जो मैं घंटों बैठ के व्यू देखा करती थी, बट ठीक है, जल्दी आऊँगी। कब आऊँगी अभी पता नहीं, 5-6 महीने बाद फिर आऊँगी मैं, और मिस करूँगी इस प्लेस को। स्पेशली दिस माई फेवरेट प्लेस, और इसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ मिस करने वाली हूँ, बट ठीक है, लाइफ है, आना जाना होता रहता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ ये सारा प्लेस मैं, और जगह लोग को शायद कमी, यहाँ के लोगों से बहुत कमी मिस करूँगी, बिकॉज आज सच मेरा कुछ खासा अटैचमेंट नहीं हुआ यहाँ के लोगों से। बट यस, इस घर से ज़रूर थोड़ा मोटा अटैचमेंट हो गया है, बट ठीक है। बाय बाय टीचर, सबको बाय। हमारी टैक्सी आ गई और हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं, और बात कुछ ज़्यादा ही है। एंट्री कर रहे हैं हम लोग,
सारा सामान है हम लोग का। फाइनली यहाँ पे हमारा लगेज वगैरह अंदर जा रहा है। फाइनली सारा हमारा इमिग्रेशन वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो हो गया है और अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है और अभी बोर्डिंग पास आ चुका है हमारे पास, रखा है अंदर, तो उसको क्या दिखा है। तो फिलहाल अभी फ्री हो गए बिकॉज बहुत सारा लगेज वगैरह था, तो थोड़ा सा उसमें हम लोग को स्ट्रेस थी, बट फिलहाल सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हम भी फ्री हो गए हैं। तो अभी हम थोड़ा पीसफुली बैठेंगे बिकॉज अभी अच्छा खासा टाइम है हमारे पास ना। हाँ अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो एक घंटा है, तो वी एक्साइटेड। बट पता नहीं मुझे somehow क्यों बुरा लग रहा है, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। एयरपोर्ट अबू धाबी का हम लोग आ चुके हैं इंडिया के एयरपोर्ट पे और थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज सुबह के निकले थे, अब यहाँ पे रात हो गई है और लगभग सारा प्रोसेस हो चुका है, बस अपना लगेज लेना, लगेज लेके यहाँ से निकलना है। और ये लखनऊ का न्यू एयरपोर्ट बना हुआ है, वहीं पे हम लोग आ गए हैं। हम लोग अभी लगेज का वेट कर रहे हैं और लगेज एक बार आ जाए तो फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले। ईवान को देख लो क्या टाइम पास कर रहा है यहाँ पर। फाइनली आ चुकी हूँ अपने इंडिया और सच में सीरियसली बताऊँ ना, इतनी चमक दमक देखे मेरे को अभी से इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और पहले मैं घर गई थी अपने घर और अब यहाँ से मैं अपने और एक घर जा रही हूँ, तो फिर वहाँ पहुँच के जैसा भी होता अपडेट करती हूँ मैं। क्या हुआ, क्या? तुम्हें अरे बैठो।